ताकत पर लोगों का प्लान क्या है। खान अगर दोबारा इकतदार में आए तो नजम सेठी ने बड़ा इंकशाफ किया। एक निजी टीवी चैनल पर गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी नजम सेठी का कहना था, सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम को बहाल करके बहुत अच्छा फैसला किया क्योंकि नैब हमेशा से सियासी इंतकाम के इस्तेमाल हुआ। नजम सेठी ने मजीद कहा, नैब के इदारे को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देना चाहिए। हुकूमत का इरादा तो यही था कि नैब को खत्म कर दिया जाए, लेकिन अगर ये ऐसा करते तो इस मुल्क में शोर पड़ जाता। इसलिए उन्होंने टू स्टेप अप्रोच ली थी। पहले स्टेप में थोड़ी सी तरमीम कर देते, दूसरे स्टेप में मुकम्मल खत्म कर देंगे। हुकूमत वाले चाहते थे कि इमरान खान को भी नैब के केसों में फंसाया जाए ताकि जब हम सब खत्म करें तो कह सकें कि देखिए तरमीम के बहाल होने से सिर्फ हम ही नहीं खान को भी फायदा हुआ। अब देखिएगा अगले स्टेज में नैब को बतौर इदारा खत्म किया जाएगा। लेकिन मेरी पेशगोई है, अगर फिर कभी खान इकतदार में आ गए तो फिर नैब बना देंगे और सबको अंदर कर देंगे। एंकर ने सवाल किया, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद खान साहब पर सिर्फ 9 मई का मामला रह गया या फिर अगर जनरल फैज हमीद कुछ कह दें। नजम सेठी ने फौरन जवाब दिया, फैज हमीद का मामला बहुत संगीन है। आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे जनरल फैज वाला मामला कोई बात ही नहीं। ये बहुत बड़ा मसला है। आजकल सब कह रहे हैं कोई माफी नहीं होनी, फैज हमीद वादा माफ गवाह बनेंगे। बातें तो ये चली हैं और ये बातें ऐसे ही हवा में नहीं हो रही क्योंकि ये सब बहुत आगे निकल चुके हैं और अगर इस स्टेज पर पीछे हट जाते हैं तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए इस मामले को हल्का मत लें।